बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के इस ट्यूटोरियल लेक्चर्स के अंदर आज हमने डिस्कस करनी है जो पीपीएचसी की न्यू एड आई है, एड नंबर 22। इस एड को आज हम कंप्लीट जो है डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर से लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वीडियोस की एक्सेस और जो क्वेश्चंस और जो नोट्स हैं आपको एक्सेस आपको ईजिली मिलते रहे। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम चलते हैं पीपीएससी की वेबसाइट्स के ऊपर, वहां जाके हम इसको एड नंबर 22, यहाँ पे आपको जॉब्स के अंदर आपको एड नंबर 22 के सेक्शन में आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पोजीशंस और डिफरेंट पोस्ट आपको नजर आ रही हैं। जैसे कि नंबर वन पे है प्रोफेसर ऑफ ईएनटी की जॉब्स है, उसके बाद हमारे पास जो है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर ऑनकोलॉजी की जॉब्स है, एसोसिएट प्रोफेसर ईएनटी की जॉब्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है प्रोफेसर की जॉब्स आई हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डिक सर्जरी का इसमें जॉब्स आई हुई है, डॉक्टर्स की हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी की जॉब्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास प्लास्टिक जो है सर्जरी की जॉब्स हैं, उसके बाद हमारे पास जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जॉब्स हैं। डिफरेंट आप यहाँ पे जो है प्रोफेसर की जॉब्स हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन की जॉब्स हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नेफरोलॉजी इसकी जॉब्स हैं। डिफरेंट आप यहाँ पे देखें कि सब इंजीनियर और असिस्टेंट की लास्ट रन असिस्टेंट की जॉब्स आई हुई हैं। तो ये पीपीएससी ने आज ऐड जारी किया है, उस ऐड के अंदर इन्होंने डिफरेंट जो है ऐड नंबर 22 के अंदर ये पोस्ट उन्होंने जारी की हैं। तो ये डिफरेंट पोस्ट नहीं, जिस तरह आप देखें आप यहाँ पे जिस ऐड के ऊपर जाएंगे तब आपको एज और रिलैक्सेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा कि एज क्या है। अब यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं एमबीबीएस वाले हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे जो है अपनी वो जॉब जो जो क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक वहाँ पे अपन देखेंगे। अपनी एज देखने के बाद अपने जेंडर्स देखने के बाद आप उस पर जो है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बेहतर है, तो जो डॉक्टर्स हैं या इनसे रेलिवेंट जिस जिसकी डिग्रीज हैं वो एलिजिबल हैं इन पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो इसको लाजमी सब अपने अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई भी बंदा इस अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लास्ट वन अब हम आते हैं असिस्टेंट के ऊपर। तो ये हमारा फोकस रहेगा असिस्टेंट के अब इस जॉब्स के ऊपर, जिसके ऊपर हमने इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको स्टडी करनी चाहिए, कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने एग्जाम्स को जो है वो अपने एग्जाम्स को हम क्लियर कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम जिसमें हम असिस्टेंट जॉब्स के कम्प्लीट डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ हम इसके न्यू जो सिलेबस है, न्यू जो चीज़ें हैं उसके साथ साथ हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपको ईजिली एक्सेस उसकी मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।